Hello and welcome to Current Affairs Daily Dose of 27th August 2017. This video is brought to you by CLAT Gurukul. To know more about us, visit clatgurukul.com or you can also call us on 8294394519. This video is very helpful for CLAT, IELTS, SAT and other various kind of entrance examinations, especially the students, those who are appearing for 2018 examinations. Before starting our first question of the day, let me take you to the brief tour of our institute. In our institute, we provide two types of courses. First is classroom courses and second is correspondence program. Classroom courses ke andar three types of courses hain. First is foundation course, second is target course and third is crash course. Foundation course ke andar two year ka course hai, target course 1 year ka course hai, crash course 3 months and 1 month ka course hai, depending upon the choice of the student. Jo 3 month wala course hai, ye November mein start ho jata hai, ye November, December, January pura chalta hai. और ये जो 1 month वाला कोर्स है ये फरवरी मार्च एंड अप्रैल में फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से चालू हो जाता है और 1 month का कोर्स है. नाउ मूविंग ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, जो हमारा मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स है वो हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है. इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर 40 क्लैट पैटर्न मॉक टेस्ट हैं, जो कि पूरे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सब लोग जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हैं. सेकेंडली हमारा 300 सेक्शनल टेस्ट है. थर्ड है डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ. इसके अंदर जो डेली का करंट अफेयर्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में स्टूडेंट्स को दिया जाता है. और ये जो एडिशनल है 100 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के, ये बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन ही. एंड सेकेंड काइंड है इसके अंदर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम. डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंदर 15 मॉड्यूल्स के थ्रू क्लैट का जो पूरा सिलेबस है उसको कवर किया जाता है. और ये पोस्टल प्रोग्राम है और इसके साथ में ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये इंक्लूडेड है. अगर आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप clatgurukul.com/exam पर जा सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, हुम डिड फ्लॉयड मेवेदर बीट ऑन अगस्त 26, 2017 टू विन बॉक्सिंग सुपर फाइट? एंड द आंसर इज कॉनर मैकग्रेगर. कॉनर मैकग्रेगर और फ्लॉयड मेवेदर के बीच में 26 अगस्त 2017 को फाइट ऑफ द मिलेनियम हुई थी. फाइट ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है इसे. और ये जो फाइट है फ्लॉयड मेवेदर ने जीत ली है. फ्लॉयड मेवेदर जो है वो यूएसए के फ्री स्टाइल बॉक्सर हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और इन्होंने ये फाइट जीत ली. ये इनकी 50th विन थी और इन्होंने आज तक अपनी करियर के अंदर एक भी फाइट हारी नहीं है. इससे पहले जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मोस्ट विन्स का जो रिकॉर्ड था वो रॉकी मार्सियानो के नाम था. इन्होंने अपने करियर में 49 फाइट्स जीती थी और एक भी फाइट हारी नहीं थी. और अब ये जो रिकॉर्ड है वो फ्लॉयड मेवेदर के नाम पे हो गया है. फ्लॉयड मेवेदर जो है वो यूएसए के बॉक्सर हैं और इस बॉक्सिंग फाइट के बाद में, इस बाउट के बाद में उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. हालांकि इन्होंने 2015 में 2015 में भी एक बार रिटायरमेंट अनाउंस किया था, पर वापस से इन्होंने अपना 2 साल रिटायरमेंट के बाद में ये बाउट फिर से लड़ी और अपनी 50-0 का जो रिकॉर्ड है उसे बना के वापस से इस बार रिटायरमेंट ले लिया है. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फाइट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. ये फाइट इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी और जीतने वाले को जो बेल्ट मिलने वाली थी उसका नाम ही मनी बेल्ट है. ठीक है, अब इसका नाम मनी बेल्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 3,360 डायमंड्स थे, 600 सफायर थे, 300 एमेराल्ड्स थे एंड 1.5 किलोग्राम का सॉलिड 24 कैरेट गोल्ड था, 1.5 किलो सोना. ठीक है, तो ये जो WBC ने, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप ने जो बेल्ट बनाई थी ये बहुत ही मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी. तो इसलिए ये जो फाइट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर हमें नाम भी याद होना चाहिए. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष चौहान ऑन अगस्त 27, 2017 वाज अपॉइंटेड एज द डैश ऑफ द BSc फॉर अनदर 5 ईयर टर्म. आशीष चौहान को किस पोस्ट के लिए वापस से चूज कर लिया गया है? एंड द आंसर इज CEO. आशीष चौहान BSc के एट प्रेजेंट CEO हैं और उन्हें अनदर 5 टर्म्स के लिए उनका जो टर्म है वो एक्सटेंड कर दिया गया है. अब इस क्वेश्चन को फर्दर डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो 5 टर्म्स दी हुई हैं इनका आखिर मतलब क्या होता है. CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CTO मतलब चीफ टेक्निकल ऑफिसर, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर कई जगह CFOO भी कहा जाता है. कई कंपनीज में CFOO की भी पोस्ट होती है. ये क्या होते हैं, चीफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग ऑफिसर. फोर्थ है CIO. CIO मतलब चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर.
एंड COO मीन्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं आशीष चौहान के बारे में। इनका पूरा नाम है आशीष कुमार चौहान और इन्होंने आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईएम कैलकटा से अपनी पढ़ाई की है और अभी प्रेजेंटली ये क्या है एमडी एंड सीईओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई, नाम से ही पता पड़ रहा है। और उसके बाद में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 9 जुलाई 1875। अब इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, प्रेमचंद रॉय चंद ने, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड 100 डिजिटल विलेजेस फॉर डिजिटल बैंकिंग, एंड द आंसर इज विजया बैंक। अब देखना ये कि ये जो 100 डिजिटल विलेजेस वाला जो कैंपेन है ये आखिर है किसके लिए। ये कैंपेन है कि जो रूरल इंडिया है जो विलेजेस है वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है अभी भी ट्रेडिशनली वर्क कर रहा है, वहाँ पे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे से आया नहीं है, बहुत ज़्यादा पेस से बढ़ नहीं रहा है। तो जो विजया बैंक है उसने ये जिम्मेदारी ली है कि ये 100 विलेजेस की जो बैंकिंग सिस्टम है उसे डिजिटलाइज करेगा और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत काम करेगा। प्रेजेंटली इस वीडियो के बनने तक 27 अगस्त 2017 तक 5 विलेजेस में काम चालू हो चुका है जिसमें कि एक गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। अब आइए जान लेते हैं कुछ विजया बैंक के बारे में। विजया बैंक फाउंड हुआ था 1931 के अंदर। इस बैंक को फाउंड करने के लिए, इस बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स आगे आए थे और उस ग्रुप ऑफ फार्मर्स के अंदर जो इसके फाउंडर थे उनका नाम क्या था, श्री अट्टावर बालाकृष्ण शेट्टी। और प्रेजेंटली इसके सीईओ कौन है, आर ए शंकरा नारायण। एमडी एंड सीईओ कौन है यहाँ के, आर ए शंकरा नारायण। और विजया बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, B.S. रमाराव। एंड वन एंड लास्ट थिंग, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट फॉर, एंड द आंसर इज बैड लोन्स। जो गवर्नमेंट ने अभी लोकसभा ने रिसेंटली बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया है जो कि ओरिजिनली 1949 का है, किस चीज के लिए, बैड लोन्स के लिए। अब इस ये जो एक्ट पास किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है उसका मेन एम क्या है, मेन एम ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इन दोनों को मिला के टोटल 800,000 करोड़ का बैड डेट है, बैड लोन है। तो इसको रिकवर करने के लिए आरबीआई जो है वो इस एक्ट के आने से पहले, इस अमेंडमेंट के आने से पहले बैंक्स को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता था। तो अब जब ये एक्ट पास हो गया है तो आरबीआई के पास में ये पावर आ गई है कि वो बैंक्स को डायरेक्शन दे सके कि आप जो बैड लोन्स हैं उनकी रिकवरी के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाएं। अब इसके अंदर जानने वाली बात यह कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उसके अंदर तो मात्र 2,00,000 करोड़ का बैड लोन है, पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके अंदर 6,00,000 करोड़ का बैड लोन्स है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी शुड ऑल्सो नो दैट द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन मुंबई, एंड द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज उर्जित पटेल। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर ये बैड लोन होता क्या है। बैड लोन जो है वो एक्चुअली होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब परफॉर्मिंग यहाँ पे जो वर्ड आया है ये किसके लिए आया है कि जो बैंक्स जो भी पैसा देती हैं, जो भी उधार देती हैं, जो भी लोन देती है, तो बैंक को जो रिटर्न मिलता है वो बैंक के लिए परफॉर्मेंस है, वो बैंक की कमाई है। तो अगर कोई भी पैसा या फिर कोई भी इंस्टॉलमेंट जो प्रिंसिपल मनी है या फिर आपका इंटरेस्ट है वो अगर 3 महीने तक, 90 डेज तक पेमेंट ड्यू रह जाता है या फिर वापस नहीं आता है तो उसे बैड डेट या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर बैड लोन्स कहते हैं। अब इसके अंदर भी 2 एक्सेप्शंस हैं। उसके अंदर क्या है कि जो एग्रीकल्चर लोन होता है उसके अंदर जो फर्स्ट टाइप का लोन है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं, उनके अंदर जो आपका डेट है या डेट का जो इंस्टॉलमेंट है अगर 2 क्रॉप सीजन तक अगर वापस रिपे ना किया जाए या फिर इंस्टॉलमेंट ना भरा जाए तो आपका बैड डेट के अंदर आ जाएगा, एनपीए के अंदर आ जाएगा। या फिर जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है उसके अंदर एक सीजन के बाद में, एक क्रॉप ड्यूरेशन के बाद में अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट ना भरी जाए या फिर डेट रिकवर ना किया जाए तो वो हो जाएगा आपका एनपीए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी विल फाइनली गेट एन एडवांस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल
system by 2020. The missile will be manufactured by DRDO and the answer is Israel Aerospace Industries. DRDO और IAI मिलके MRSM बनाने वाले हैं, medium range air surface to air missile बनाने वाले हैं। ये जो missile होगी, ये surface से air में कोई भी drone आता है या कोई aircraft आता है या कोई भी missile आती है, तो उस ballistic जो missile है उसको shoot down कर सकती है। यहाँ पे DRDO का हम लोगों ने full form देख लिया है, Defence Research and Development Organisation, और इसका headquarter कहाँ पे है? New Delhi, और इसके हेड हैं एस क्रिस्टोफर, और इसके जो मिसाइल साइंटिस्ट हैं उनका नाम है G.S. रेड्डी, और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के हेड का नाम क्या है? जोसेफ वीज। अब देख लेते हैं कि इसराइल के हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू, और इसराइल की राजधानी कहाँ पे है? जेरूसलम। Now moving on to next question, who has been appointed as the social secretary to President Ramnath Kovind? And the answer is Randhir Kumar Jaiswal. अभी जो recently held presidential election हुआ है, उसके अंदर Ramnath Kovind जो हैं वो India के president बने हैं। इससे पहले Ramnath Kovind बिहार के governor थे, और इनके जो social secretary हैं, उनका नाम है Randhir Kumar Jaiswal. Randhir Kumar Jaiswal 1988 batch के IFS ऑफिसर हैं, और जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी होती है कैबिनेट की, उसने अप्रूव कर दिया है इनका अपॉइंटमेंट सोशल सेक्रेटरी के लिए। इट्स अ पिन पॉइंट फैक्ट क्वेश्चन एंड आई रिक्वेस्ट यू टू नोट इट डाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड के क्वेश्चन होते हैं, और क्लैट के अंदर ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस रनर मो फारा इज फ्रॉम विच कंट्री? एंड द आंसर इज UK। 34 ईयर्स के मोहम्मद मुख्तार जामा फारा ब्रिटिश नेशनलिटी के हैं, और ये एक डिस्टेंस रनर हैं। डिस्टेंस रनर मीन्स ये 5000 एंड 10,000 मीटर रेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट लिया है डायमंड लीग में 5000 मीटर की रेस को जीतने के बाद में, 5000 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतने के बाद, और इन्होंने डायमंड लीग 5000 मीटर रेस के फाइनल में किसको हराया है? यूथोपिया के मुख्तार एड्रिस को। अभी प्रेजेंटली मुख्तार एड्रिस वर्ल्ड चैंपियन है, और लंदन ओलंपिक्स 2016 के अंदर 5000 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरोनेट विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑन अगस्त 28, 2017? एंड द आंसर इज आसाम। क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से एरोनेट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, पर फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो एरोनेट एक पोर्टल है या फिर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है स्टेट्स के अंदर। इसके अंदर क्या है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो इलेक्टोरल रोल्स के अंदर अपना नाम जुड़वा सकते हैं या फिर हटवा सकते हैं। अब इसमें चूंकि आसाम का नाम आया है, तो एक बार जान लेते हैं कि आसाम के सीएम कौन है। आसाम के सीएम है सर्बनंदा सोनोवाल, ठीक है, और आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। Now moving to next question, World Book Fair 2017 will be held in, and the answer is Dehradun. Dehradun Uttarakhand ki capital hai, aur Uttarakhand ke CM ka kya naam hai? Trivendra Singh Rawat. Ye jo World Book Fair 2017 hai, ye organize kaun karwa raha hai? National Book Trust. Is 9 din chalne wale book fair ko inaugurate kaun karenge? CM Trivendra Singh Rawat ke saath mein Governor KK Paul के साथ में jointly CM त्रिवेंद्र सिंह रावत इस पूरे book fair को inaugurate करेंगे। Now moving on to next question, Indian Air Force has deployed which aircraft in Panagarh? And the answer is Hercules. और India China के जो Doklam issue है, उसके चलते India ने जो Air Force Station Arjan Singh है Panagarh के अंदर, वहाँ पे इस aircraft को deploy किया है। और ये जो पानागढ़ जगह है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता से 150 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ साइड में है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, वेरी फेमस, और यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ राउंड ऑफ फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन वर हेल्ड इन, एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली के अंदर ये जो कंसल्टेशन हुआ है, पॉलिसी कंसल्टेशन हुआ है EU एंड
इंडिया की जो फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट काफ़ी पिन पॉइंट फैक्ट क्वेश्चन है, इसलिए फ्लैट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या कंसल्टेशन हुए, क्या क्या आउटकम्स थे, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बट EU की और इंडिया की जो बायलेटरल ट्रेड है या फिर हमारी जो सिक्योरिटी कंसल्टेशन है उनके ऊपर इस राउंड में बातचीत हुई है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2017 रूरल गेम्स विल बी हेल्ड इन, एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विजय गोयल ने अनाउंस किया है कि 8 अगस्त 2017 को नेशनल कैपिटल दिल्ली के अंदर जो रूरल गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और इस रूरल गेम्स को ग्रामीण खेल महोत्सव के नाम से चलाया जा रहा है, ग्रामीण खेल महोत्सव। इसका एम क्या है, जो हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं जैसे कबड्डी है, रेसलिंग है, एथलेटिक, बाकी जो ट्रेडिशनल एथलेटिक्स हैं उन सब के यहाँ पे इवेंट होंगे, और साथ ही साथ जो आपके फन गेम्स हैं जैसे मटका रेस, टग ऑफ वॉर, रस्साकसी जिसे हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द 2017 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, एंड द आंसर इज साइना नेहवाल। साइना नेहवाल वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपनी सेमीफाइनल के अंदर अपनी कंपटीटर नोजोमी ओकुहारा से हार गई और ब्रॉन्ज मेडल से उन्हें खुद को सेटिस्फाई करना पड़ा। नोजोमी ओकुहारा रियो गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी। नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। You can also press the bell icon for the further notification. To join our Facebook group, you can visit us on facebook.com/group/CLAT Insight. और आप लोग हमें Facebook पे लाइक भी कर सकते हैं, facebook.com/CLAT Gurukul पे। थैंक यू।